व्यूवर्स, आज आपको मैं अपने चैनल फूड ब्रेक पर वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ेदार रेसिपी सीख सकें। व्यूवर्स, आज आपको मैं पापड़ी सिखाने जा रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त होती है, चाय वगैरह के साथ भी खा सकते हैं आप इसे, और चाट वगैरह, भेल पूरी या दूसरी चीज़ों के साथ भी, दही बड़े वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये बना के डिब्बा भर के रख दें। बहुत ही कम क्वान्टिटी में आपको ये सिखा रही हूँ ताकि आप झटपट बनाएं, एंजॉय करें, बहुत ही जल्द बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता। आइए व्यूवर्स, बताते हैं कि नज़्ज़ा का इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में। यहाँ मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है, कॉर्नफ्लावर है 1.5 टीस्पून, घी है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून और पिंच है। साथ ही में मैंने यहाँ 1/2 कप पानी लिया है, लेकिन हम हसबे ज़रूरत पानी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इन तमाम ड्राई चीज़ों को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, हाथ वॉश कर लिए हैं मैंने। व्यूअर्स, अब मैं यहाँ घी डालूंगी इसके अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, ये लाइट क्रम्स की तरह हो जाएगा। व्यूवर्स, देखें किस तरह भुरभुरा क्रम्स की तरह ये हो गया है। अब व्यूवर्स, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें सक डो बना लूंगी इसका। आपने इसको नरम नहीं गूंदना, दरमियाना सख्त आटा गूंदना है आपने। व्यूअर्स, यहाँ हमने सख्त डो तैयार कर लिया है, देख सकते हैं आप ये किस तरह का डो है, बहुत ही स्मूथ गूंदा है मैंने इसको। यहाँ मैंने 1/4 कप ही वाटर इस्तेमाल किया है, 1/2 कप लिया था लेकिन 1/4 कप यूज़ हुआ है। अब व्यूअर्स, इसमें मैं यहाँ हसबे ज़रूरत कढ़ाई में फ्राइंग के लिए ऑयल हल्के आँच पर गर्म किया है, ये देखें बिल्कुल कम हल्का सा मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी। व्यूअर्स, साथ ही में मैंने यहाँ डस्ट करने के लिए काउंटर पे मैदा लिया है थोड़ा सा। अब व्यूअर्स, हमें काउंटर पे हल्का सा इस तरह मैदा छिड़कना है। आप चाहें तो इस डो को रख भी सकते हैं 10 मिनट के लिए, लेकिन इसको अच्छी तरह गूंदेंगे अगर आप तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5-7 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह गूंदना है। ये देखें, अगर आपका डो सही गूंदा हुआ नहीं होता तो साइड्स क्रैक होती हैं, लेकिन अगर गूंद जाता है अच्छा सा तो फिर साइड्स इवन होती है। ये आप देख सकते हैं इसकी साइड्स इवन है, अच्छी तरह गूंदें इसको। व्यूवर्स, अब मैं यहाँ इसकी पतली रोटी इस तमाम की बेल लूँगी। साथ ही में मैंने घी गर्म रख दिया है, सॉरी ऑयल गर्म रख दिया है कढ़ाई में। वैसे तो बाजार में ये पापड़ी आपको पता है घी में फ्राई की जाती है, लेकिन घर में हम थोड़ा सा ख्याल करते हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। पतली सी इसकी रोटी बेलनी है हमें। नहायत ही मैं इसको थिन बेलूंगी ताकि ये अच्छी क्रिस्प फ्राई, हल्की आंच पे हमेशा फ्राई करते हैं। व्यूअर्स, बहुत से लोग इसमें अजवाइन भी डालते हैं, अगर आप चाहें तो चुटकी भर अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैंने जीरा डाला है, अजवाइन नहीं डाली, आप डाल सकते हैं अगर चाहें तो। देखें आप कितना थिन बेला है मैंने इसको, ये आप देखें। अब ये चारों तरफ से थिन हो चुका है आपकी, ये देख सकते हैं आप किस तरह का मैंने बेला है। व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसे तमाम को फोक की मदद से अच्छी तरह प्रिक करेंगे। इस तरह आपने इसको प्रिक करना है, पूरे को अच्छी तरह से प्रिक करेंगे। साथ ही में ऑयल भी गर्म हो रहा है, अच्छी तरह से प्रिक करना है। देख सकते हैं आप मैंने इसको किस तरीके से प्रिक किया है। प्रिक इसलिए किया जाता है ताकि ये फूले नहीं और क्रिस्प तैयार हो। इस तरह से मेक श्योर ये अच्छी तरह प्रिक हो जाए। अब मैं इसको इस तरह से पलटूंगी और इसको इस तरफ से भी अच्छी तरह प्रिक कर लूंगी। दोनों साइड से मैंने अच्छी तरह इसको प्रिक कर लिया है। कॉर्नर से भी मैंने इसको प्रिक किया हुआ है। जितना अच्छा प्रिक होगा ये उतनी ही क्रिस्प पूरी होगी, आपकी पापड़ी तैयार होगी, वरना ये आपकी सॉफ्ट पूरी बन जाएगी अगर ये अच्छा प्रिक नहीं। अच्छा व्यूअर्स, अब हमें कोई भी कटर लेना है और आपने इसको इस तरीके से कट करना है। क्लोज क्लोज कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा, ये मोटा है, जो आपको लगे कि हल्का सा मोटा है उसको आप बेल के प्रिक कर लें, इस तरीके से प्रिक कर लें। व्यूअर्स ये तमाम इसी तरह कट हो जाएंगी। व्यूअर्स मैं इसको कितना क्लोज क्लोज कट कर रही हूँ। अब व्यूअर्स इस डो को दोबारा हम बेल सकते हैं, अच्छी तरह से इसको निकाल लें। तमाम को कट कर लिया है जो, और ये बाकी जो साइड वेस्ट निकला है इसको दोबारा से रोल आउट करके कट करेंगे। व्यूअर्स यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके पूरी डालूंगी और इसको क्रिस्प फ्राई करेंगे ताकि ये हमारी पापड़ी बन जाए। हल्की आंच है, बिल्कुल ही देखो हल्की आंच है, ये आप देख सकते हैं आंच को, ये देखें बिल्कुल ही स्लो आंच पे तलना है, और हल्की आंच पे तलेंगे तो ये क्रिस्प फ्राई होगी, अदरवाइज ये दो दो तीन तीन डालेंगे, ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे इसको। ये देखें इसको हल्की आंच पे ही आपने फ्राई करना है ताकि ये अच्छी क्रिस्प हो जाए। रिमेनिंग को भी हमने यहाँ बेल लिया है, रोल आउट करने के बाद इस तरह हमने प्रिक करना है। तमाम को पूरे को प्रिक करेंगे, फिर मैं इसको पलट के प्रिक करूंगी। अगर आप चाहें तो पहले कटर की मदद से कट करके फिर आप आगे पीछे से भी प्रिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये इजी लगता है बनिस्बत एक एक को करने से। इस तरह तमाम को कर लें फिर पलटते। व्यूअर्स अब मैं इसको यहाँ, बहुत ही थिन है ये, एहतियात से उठाना है आपने। साथ ही में एक नज़र वीडियो पे आपको दिखाते हैं, फिर मैं उसको प्रिक करूँगी। देखें ये कितनी क्रिस्प फ्राई हो रही है, आपको नज़र आ रही होंगी। जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाएगा मैं इसको नहीं निकालूंगी। बहुत हल्की दम वाली आँच पे करनी है। ये देखें आप, नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ कट कर भी प्रिक कर लिया है। अब मैं यहाँ इसको कटर से कट करूँगी। इस तरह देखें मैं इसको कटर से कट कर रही हूँ, अच्छी तरह कट कर लें। व्यूअर्स
एक्सेस निकाल लेंगे, इसमें बहुत सारी बन जाती हैं। ये 1 कप का डो तैयार किया है मैंने। कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो गई है हल्की आंच पे, इसका कितना प्यारा कलर आ गया है। इस तरह करके हम तमाम इसको हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। और व्यूवर्स, बाकी की भी तमाम हमने यहाँ बेल कर रखी हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ इस तरह हमने तमाम को बेल लिया है। अब हम मज़ीद भी इसके अंदर शामिल करेंगे। कढ़ाई में उठा के इस तरह पिक करके रखी हुई थी हमने तमाम यहाँ इस तरह से। जितना आप हल्की आंच पर फ्राई करेंगे उतनी ये मज़े की और क्रिस्पी तैयार होगी। व्यूअर्स, इस तरह हम तमाम फ्राई कर लेंगे। चार चार मैं वक्त में डालूंगी और इसको फ्राई करेंगे। बहुत सारी बन जाती है, निकाल ली है। कितनी क्रिस्पी ये फ्राई हुई है। अगर आप चाहें तो थोड़ा इसका साइज भी बड़ा रख सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ मैंने तमाम निकालनी शुरू कर दी हैं। मैं डालती जा रही हूँ, निकालती जा रही हूँ, प्लेट में जमा कर रही हूँ। जब ये तमाम अब फ्राई हो जाएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। मैंने तमाम पापड़ी को फ्राई करके निकाल लिया है और आपको एक क्लोज लुक इसका दिखाते हैं। कितनी क्रिस्पी ये तैयार हुई है, देखें आप। कोई भी उठा के देख लें, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई है। व्यूअर्स, आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और व्यूअर्स घर में बना के ज़रूर इंजॉय करें। व्यूअर्स, बहुत ही जल्द अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।